देखिए दोस्तों, यूट्यूब ने 5 गजब की अपडेट दी है। ये अपन को गिरोह होने के लिए भी है, जैसे भी वीडियो डालते हैं उसमें अर्निंग करने के लिए भी गिरोह होगी। बहुत अच्छी गजब की अपडेट है। जैसे कि अपन किसी का म्यूजिक लेते हैं तो क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है, उसमें क्या होता है कि उसका जो पैसे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आधे अपन को दे देता है, आधे वो कंपनी वालों को दे देता है। जैसे कि अपन ने 100 रुपये लिए हैं तो उसमें से क्या होता है कि 100 रुपये की कमाई करी है तो उसमें से क्या होता है 45% यूट्यूब रखता है और 55% अपन को देता है, उसमें से वो आधी कंपनी को दे देता था, आधी अपन को मिल जाता है कॉपीराइट होने पर। अब यूट्यूब ने क्या किया है कि कॉपीराइट को देखते हुए उसने एक गैलरी खोली है, उसमें से आप यूज कर सकते हो कि अपन कॉपीराइटिंग के लिए गाने वगैरह उसमें से स्टूडियो ले सकते हैं, जिससे कि वो कॉपीराइट आने पर भी वह अपन को कॉपीराइट नहीं मिलेगा और जो पैसा आएगा वो पूरा अपन को मिलेगा, वो शेयर नहीं करना पड़ेगा। इसी को देखकर उसने ऐसा अपडेट दिया है। और इसमें से क्या होता है कि यूट्यूब ने कि अपन को जो ये गैलरी दी है उसमें से अपन जैसे ही अपन बोल देंगे ना, इसमें अपन कंपनी के जो गाने वगैरह यूज करेंगे उसके लिए अपन को उस कंपनी से वो खरीद लेंगे, और कितने दिन के लिए लेना है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने या 4-5 साल लाइफ टाइम के लिए, तो उसमें क्या होगा कॉपीराइट भी आ जाएगा, तब भी वह पैसा पूरा अपन को मिलेगा। और ऐसा ही उसने क्या किया, अपडेट ये है कि शॉर्ट वीडियो को लेकर, जैसे कि अपन शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो उसके ऑफलाइन उसको अपन को मोबाइल में देखने को मिल जाएगा कौन सा शॉर्ट वीडियो अच्छा बना है, और अच्छा बना है किसी कुछ ही टॉपिक के अनुसार आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। ये भी अपडेट कमाल की अपडेट है। फिर पहले जो अपडेट थी फिर ख़त्म कर दी थी, अब फिर उन्होंने फिर लॉन्च कर दी है। ऐसा ही क्या है कि जैसे कि अपन वो डालते हैं फोटो वगैरह डालते हैं तो क्या होता था, पहले अपन उसको कंप्यूटर वगैरह में देखते थे, अब उसमें अपन एसी में देख सकते हैं। और जैसे कॉपी बोझा डालेंगे फोटो वगैरह तो उसके लिए क्या है कि पहले अपन ने डाला तो अपन को लगता 24 घंटे में वो हटाता था, अब क्या हुआ है कि उसने अपन सोचते थे कि 1-2 घंटे में डिलीट हो जाए, मगर अब उसने ऐसा ही कर दिया है कि अगर अपन को 1-2 घंटे में डिलीट करना है तो वह एक बटन दिया है उस पर कर देंगे तो अपन उतने टाइम के लिए फिर डिलीट हो जाएगा। ये कमाल की अपडेट है। एक अपडेट ये है कि जैसे अपन किसी को के पे लाइक करते थे, लाइक आते थे तो ये ऑप्शन अपने मोबाइल में नहीं था, और इसमें क्या करता था अपन को लाइक करना तो कंप्यूटर में देख ना पाता था, अब ये ऑप्शन अपने मोबाइल पे आ जाएगा और उसमें ही आप देख सकते हो और क्या ये लाइक बारा सिस्टम आप उसमें कैश कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब किए, थैंक यू दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो।